नमस्कार। तो आपकी और मेरी घड़ी में बजने वाले हैं दोपहर के दो, और दोपहर के दो जब बजते हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश देखता है कि 403 विधानसभा में से कौन सी विधानसभा की आज बात करने जा रहे हैं। आज एक और विधानसभा होगी जहां पर हम जानेंगे और परखेंगे और पूरा सर्वे निकालेंगे कि आखिर वहां की विधानसभा में विधायक ने जो वादे किए थे क्या उनको पूरा किया, क्या विधायक जी जिन वादों के सहारे सत्ता के रथ में सवार होकर 2017 में मैदान में आए थे, क्या उन्होंने इस विधानसभा की जनता को वो सब कुछ दिया जो वो देना चाह रहे थे। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक नुमाइंदा जुड़ेगा जो कि विधायक का पक्ष रखेंगे, एक नुमाइंदे वो जुड़ेंगे जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और साथ ही साथ टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम वाला प्रोग्राम है ये, तो ऐसे में हमारे साथ जनता भी लगातार जुड़ती रहेगी। नंबर्स कुछ समय बाद फ्लैश होना शुरू हो जाएंगे। दर्शकों, ये कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश इसका स्पेशल एडिशन है, यूपी एडिशन। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने को है, ऐसे में हम हर विधानसभा को खंगाल रहे हैं कि आखिर जो कहा था वो क्या पूरा हुआ, क्या काम हुआ पूरा या रह गया अधूरा। एक एक कर हर विधानसभा की बात हो रही है। आज एक बहुत हॉट सीट की बात करेंगे। आज बात करेंगे अलीगढ़ सदर विधानसभा की। तो अलीगढ़ सदर विधानसभा में कितना कुछ काम हुआ इसकी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत माहौल बता देता हूं कि अलीगढ़ में आखिर माहौल क्या है। तो अलीगढ़ में इस वक्त जो सबसे प्रमुख समस्याओं का केंद्र है वो दरअसल ये है कि वहां पर ट्रैफिक की बहुत समस्या है, सड़कें संकरी हैं तो जाम की भी बहुत समस्या है, और सड़कों पर गड्ढे हैं इसकी भी समस्या है। बाकी जो मूलभूत समस्याएं उत्तर प्रदेश के अमूमन हर विधानसभा में आप देखते हैं वो सारी समस्याएं भी यहां पर हैं। एक शिकायत है जनता की कि यहां पर हर पार्टी को मौका दिया गया, हर पार्टी आती रही जाती रही। 10 साल पिछले, अगर 10 साल की बात करूं, 10 साल समाजवादी पार्टी सत्ता में रही। समाजवादी पार्टी ने विकास कराया इटावा में, मैनपुरी में, एटा में, लेकिन यहां विकास देखने को नहीं मिला। अलीगढ़ की जनता को आज तक किसी पार्टी ने कुछ नहीं दिया, ऐसी शिकायत है अलीगढ़ की जनता की। हर पार्टी आई, सत्ता का सुख भोगा और चली गई, तो आए और गए, लेकिन अलीगढ़ की जनता को कुछ नहीं मिला। लेकिन एक उम्मीद जगी कि 1993 के बाद अब जो सूखा पड़ा हुआ था बीजेपी का अलीगढ़ में वो सूखा समाप्त हुआ, और 2017 में विधायक बने संजीव राजा जी। संजीव राजा ने सिटिंग एमएलए जफर आलम को लगभग 15,000 वोटों से शिकस्त दी। तो शिकस्त देने के बाद अब मैदान में थे संजीव राजा साहब। संजीव राजा साहब पर्चा भरेंगे एक बार फिर, लेकिन इनका खर्चा भी दुरुस्त है, खर्चा दुरुस्त है, लेकिन कानूनी पर्चा भी इनका दुरुस्त है। मसलन मुकदमे बहुत हैं, आईपीसी 147, 148, 149, 307, 436, 332, 353, 380 और 9395। तो ये मुकदमे आईपीसी के तहत इन पर लगे हुए हैं। हालांकि ऐसा शायद ही कोई विधायक हो, बहुत कम संख्या है उन विधायकों की जिन पर मुकदमे नहीं होते। तो ऐसे में संजीव राजा साहब पर तो खैर मुकदमों की भरमार है, लेकिन एक सुलगता सवाल यह है कि इतने सारे मुकदमे वाले विधायक जी दोबारा चुनाव मैदान में आएंगे। उससे पहले अभी 2 माह पहले ही MPMLA स्पेशल कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी थी और 14,000 रुपए का उन पर जुर्माना लगाया था। तो 2 साल की सजा दरअसल दी गई थी 1998 के एक मामले में। 1998 में जब ये विधायक नहीं थे संजीव राजा साहब, तब संजीव राजा साहब ने एक पुलिसकर्मी को, यातायात पुलिसकर्मी को सरे रहा उनके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। और 1998 के उस मामले में अब 2021 में MPMLA स्पेशल कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। सजा है 2 साल की और साथ ही साथ 14,000 रुपए का लगा दिया जुर्माना। लेकिन इतने वर्षों बाद, कुल जमा 23 वर्षों बाद, एक मारपीट के मुकदमे में सजा सुनाई गई, लेकिन सजा की क्या ही बात करें, सजा तो सुनाई गई लेकिन सजा के कुछ ही घंटों बाद उनके वकीलों ने जाकर जमानत ले ली। तो अब उनके पास कुल जमा 90 दिनों का समय है। 90 दिनों में वो उच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर करेंगे, उसके बाद जो होता है होता रहेगा। लेकिन एक और वीडियो सभी ने देखा था, वो वीडियो था जब जेल के अंदर बर्थडे मनाया गया था। तो जेल के अंदर जो बर्थडे मनाया गया था वो वाकया है अगस्त 2018 में जेल के अंदर विधायक जी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। जेलर भी थे, पुलिसकर्मी भी थे, साथी कैदी भी थे, सब थे, और बकायदा एक कार्यक्रम रखा गया और कार्यक्रम में सब लोग शिरकत करते हुए नजर आए। तो ये वो कार्यक्रम था जिसमें हम बात कर रहे हैं
कि किस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट की तस्वीरें आती हैं, लगातार मुकदमेबाजी इन पर नजर आती है, इतने मुकदमे हैं, 307 का भी मुकदमा है अटेम्प्ट टू मर्डर, उस पर भी केस चल रहा है। धनराशि की बात करें तो 56 लाख से ज्यादा का पैसा इनके पास है, ऐसा ये हलफनामे में दिखाते हैं, लेकिन जनता का कहना है कि इससे 10 गुना ज्यादा भी पैसा हो सकता है। आपको थोड़ा सा पुराना गणित समझाते हैं अलीगढ़ विधानसभा का। तो अलीगढ़ सदर सीट की बात कर रहे हैं, मतलब जिस जिले की जो शहर सीट होती है उसी को सदर सीट कहते हैं। तो अलीगढ़ शहर सीट की जो चर्चा है उस पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। अब बातों ही बातों का तो मुकाबला है, लेकिन उससे पहले जो मुकाबला होने वाला है उसकी हम जरा आपको डेटा समझाते हैं। तो 2012 में सपा जीती थी और सपा से जीते थे जफर आलम साहब, सेकेंड आए थे बीजेपी से। इससे पहले का चुनाव 2007 जीती सपा, सेकंड नंबर पे रहे हमारे बीजेपी। 2002 जीती कांग्रेस, सेकंड नंबर पे रहे बीजेपी। 1996 सपा जीती, दूसरे नंबर पे रही बीजेपी। 1993 जीती बीजेपी, दूसरे नंबर पे रही बीएसपी। तो 2017 से जो पहले विधायक थे वो थे जफर आलम समाजवादी पार्टी से, उससे पहले जो विधायक थे वो थे जमीरुल्लाह, वो भी समाजवादी पार्टी से ही थे। उससे पहले हालांकि विवेक वंसल थे जो कि INC से थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उससे पहले थे हमारे अब्दुल खालिक साहब, वो भी समाजवादी पार्टी से थे। तो अलीगढ़ वालों ने बेशुमार प्यार दिया समाजवादी पार्टी को, मतलब बीते 20 सालों की बात करें, 25 सालों की बात करें तो 15 साल समाजवादी पार्टी का ही शासन रहा है। 2017 में वो सूखा मिटा जो 1993 से चला रहा था, 1993 का चला हुआ सूखा 2017 में जाकर तब मिटता है जब संजीव राजा बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं और 15,000 मतों के अंतर से जीत भी जाते हैं। जो अंतर है, ये जो मार्जिन है जीतने का, आपको कम जरूर लगेगा, लेकिन अलीगढ़ में, अलीगढ़ की जो सदर सीट है वहां पर ये मार्जिन इतना ही रहता है, 7,000, 35,000, 23,000, 23,000, ऐसा पिछले चुनावों में ये मार्जिन रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ मानव महाजन जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं, इनसे चर्चा करेंगे, साथ ही साथ दर्शकों के लिए भी ये मंच खुला हुआ है। नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे, नंबर्स जो फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। तो सबसे पहले मानव महाजन साहब, चर्चा कर रहे हैं हम अलीगढ़ सदर सीट की, तो अलीगढ़ सदर सीट की चर्चा में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बिल्कुल स्वागत है आपका, अलीगढ़ सदर सीट की चर्चा में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने जो सर्वे करवाया अपने संवाददाताओं के जरिए, उनका कहना है कि समस्याएं जस की तस हैं, समस्याओं में कोई सुधार नहीं है। हर किसी को मौका दे के देख लिया, 10 साल तक समाजवादी पार्टी रही, उसके बाद लगा कि आशा की किरण जगेगी और बीजेपी को देते हैं इस बार, तो 2017 में आपको मौका दिया क्या, लेकिन समस्याओं में सुधार ये जनता कह रही है बार बार कि नहीं हुआ इस बार, बताइए। ऐसा नहीं है, देखिए जिस चश्मे से हम देखते हैं, अगर राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तब तो सुधार वास्तव में दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर हम एक जनता की नजर से देखेंगे तो अलीगढ़ की सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी सांप्रदायिक वातावरण। अलीगढ़ की स्थिति ये थी कि यहाँ बात बात पर दंगा होता था और यहाँ पर कोई ना तो अधिकारी आना चाहता था ना कोई मल्टीनेशनल कंपनी आना चाहती थी। ठीक है, सबसे पहले इस माहौल को चेंज करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये शहर के लिए सबसे जरूरी चीज थी। उसके अलावा सड़कें आप देखिए, ऐसी कोई गली नहीं है जो सड़कें ना बनी हो, सुरक्षा का माहौल बना है। हमारे अलीगढ़ शहर में समस्या ये थी कि रात को 9 बजे के बाद कोई लड़की महिला अकेले घूम सकती थी, ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं, चाहे बाबरी मंडी हो, अमीन शाह हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, यहाँ पर महिला तो महिला पुरुष भी 9 बजे के बाद निकलने में डरते थे। बाबरी मंडी में तो जरा जरा सी बात पर दंगे हो जाते थे, लेकिन उस माहौल को सुधारने का काम किया है, ये शहर की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। ठीक है, अब बाकी जनता से बात कर रहे थे, जब हम जनता के लोगों से बात कर रहे थे, सर्वे करवा रहे थे, तो मानव जी काफी लोगों ने एक बात कही, क्योंकि आप भी दंगों का जिक्र कर रहे हैं बार बार, काफी लोगों ने एक बात कही कि आप सांप्रदायिक बातें बहुत करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाने का आप पर आरोप लगा रहे हैं अलीगढ़। जी आप लगातार कहते हैं कि अलीगढ़ हमको एक्सेप्ट नहीं है, ये हरिगढ़ है, अलीगढ़ एक्सेप्ट नहीं है हमको, ये हरिगढ़ है। सुन लीजिए, हम किसी पर अतिक्रमण नहीं करते, हरिगढ़ नाम ही था इसका, बाद में आतताइयों ने इसका नाम अलीगढ़ कर दिया। पुराना वैभव यदि लौट रहा है आज अयोध्या में,
हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया, हमने किसी पर कब्जा नहीं किया, हमारे पर जो कब्जा किया गया था उसी को तो वापस कर रहे हैं हम। आज बाबा विश्वनाथ के जो विकास हो रहा है वहां पर, वो हम थोड़ी किसी पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर जो कब्जा किया, ऐसे ही अलीगढ़ की स्थिति है। देखिये मैं एक चीज बता दूं आपको, किसी भी शहर के विकास का रास्ता वहां के सांप्रदायिक वातावरण से उभर जाता है। यहाँ पर कोई, आप सोचिए, अलीगढ़ ताला हार्डवेयर का बड़ा हब है, पूरी दुनिया में यहाँ से ताला हार्डवेयर जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि बाहर के जो खरीदार होते हैं वो अलीगढ़ नहीं आते। यहाँ के लोगों को आपने पहला ऐसा शहर देखा होगा जिसको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए दुनिया में भागना पड़ता है, वो सिर्फ सांप्रदायिक वातावरण अच्छा नहीं था। अब क्योंकि धीरे धीरे सांप्रदायिक वातावरण अच्छा हो रहा है, यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही है, यहाँ पर मल्टी ब्रांड आउटलेट आ रहे हैं, यहाँ पर बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये कंपनीज आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। एक चीज और समझाइएगा मुझे जरा, इगलास में जी आरएलडी के जयंत चौधरी भी आए और सपा के लोग भी नजर आए, तो ये लोग भी आ रहे हैं, और इगलास में तो खुल के कहा गया है कि इस लहर को देखकर, इस भारी भीड़ को देखकर अब बीजेपी के हाथ पांव फूल रहे हैं। इससे फर्क पड़ेगा, ये जो रैलियां हो रही हैं बड़ी बड़ी जयंत चौधरी की और समाजवादी पार्टी की संयुक्त रैलियां? देखिए, भीड़ से चुनाव कभी जीते नहीं जाते, चुनाव जीते जाते हैं काम से। आपका काम बोलेगा, आपने जितना काम किया है, 5 साल की सरकार और लोकदल के विषय में तो मुझे इसलिए नहीं कहना, लोकदल का तो भी यही तय नहीं है, लोकदल किसके साथ जाकर बैठेगा। लोकदल का तो हिसाब रहा है कि जिसके हाथ में सत्ता की चाल, वो कभी सत्ता के लिए काम ही नहीं करते। लोकदल ऐसी पार्टी है जो कभी सत्ता के लिए काम नहीं करती, वो कभी सत्ता प्राप्ति करने का प्रयास नहीं करती, बल्कि वो तो जहां सत्ता दिखाई दे रही है, भाई आज उनको ठीक है समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है, कल को उन्हें कोई और दल दिखाई देगा। तो इसलिए लोकदल की बात नहीं कर रहा, रही समाजवादी पार्टी की बात, समाजवादी पार्टी के यहाँ से विधायक रहे हैं, उनके समय में जो यहाँ का माहौल था, वातावरण था, पुराने शहर में इवन ये स्थिति थी कि कोई व्यक्ति बाहर से नहीं आना चाहता था, कोई अधिकारी भी अलीगढ़ शहर में नहीं आना चाहता था। गुंडागर्दी की बातें तो ऐसे, यस, ऐसे वातावरण में हम कैसे शहर का विकास सोचेंगे? अब संजीव राजब साहब के बारे में, संजीव राजब साहब के बारे में जब थोड़ा पढ़ते हैं तो पता लगता है काफी दबंग नेता है, मुकदमे बहुत है। देखिये, और अभी 2 माह पहले ही एक मुकदमे में एमपीएमएलए कोर्ट से सजा भी पड़ी है। देखिये, ये जो शहर है अलीगढ़, ये वास्तविक रूप से देखा जाए तो संघर्षों का शहर है। यहाँ पर सरवाइव करने के लिए संघर्षी होना आवश्यक है। और रही राजनीतिक मुकदमों की, तो आप भी जानते हैं राजनीतिक मुकदमे तो लगते हैं, राजनीतिक मुकदमे तो सरकारों में लगते हैं। आप भाई उनके अन्याय के खिलाफ, उनके अत्याचारों के खिलाफ बोलेंगे तो निश्चित रूप से आपको मुकदमा लगाया जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा। तो हम इन चीजों से नहीं डरते, हम इन चीजों से डरने वाले नहीं है। ये शहर हमारा शहर है और इस शहर में चाहे सरकार, मतलब दूसरी पार्टी की बात नहीं करते, लेकिन संजीव राजा साहब का बीजेपी को, संजीव राजा साहब का टिकट है पक्का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भविष्यवाणी वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि ना तो ये पता होता कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, ना ये पता होता हमारा विधायक कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें पूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है। मैं भी दावेदार हूँ, मैं भी पार्टी से आवेदन मैंने किया है, मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, लेकिन जिसको टिकट मिलेगी, वो चाहे आदरणीय संजीव राजा जी हो, चाहे कोई भी हो, जिसको टिकट मिलेगी, ये पूरा शहर मिलकर उसको लड़ाएगा और जिताएगा और इस शहर में विकास की योजना बढ़ाएगा। ठीक है, जब हम इगलास पर चर्चा कर रहे थे कि इगलास के किसान जो है वो बीजेपी से नाराज हैं, तो उसका कहीं ना कहीं घाटा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, लेकिन उसी के काउंटर में हमारे रिपोर्टर ने हमको ये बताया कि आपके द्वारा स्मार्ट सिटी का काम किया गया है, आपके द्वारा एक कॉलेज देने का काम भी किया गया, तो उसके बारे में जरा बताइएगा थोड़ा सा। कॉलेज देने का काम, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बन रही है अलीगढ़ में। हाँ, वही यूनिवर्सिटी की बात, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी जो है, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की आसपास के एरिया की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। सबको पता है आगरा यूनिवर्सिटी पर लोड होता था, सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माहौल क्या है, इसीलिए एक यूनिवर्सिटी की आवश्यकता थी और हमारी लोकप्रिय सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया है। ये जो आपके वीडियो में दिखा रहे हैं कि अचलताल, ये अचलताल कितने वर्षों से, इसका इतिहास यदि आप लोग देखेंगे तो इसका इतिहास महाभारतकालीन इतिहास है।
भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलदाऊ स्वयं आए थे, आज ये इस विकास के रास्ते पर चल पड़ा है और आने वाले एक या दो वर्षों में आपको अचल ताल ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पर्यटक आया करेंगे। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी से अतीत अग्रवाल भी जुड़ गए हैं, चूंकि 2017 से पहले 10 साल तक लगातार इन्हीं का शासन था अलीगढ़ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है अतीत अग्रवाल जी। अतीत अग्रवाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? ठीक है, चलिए तो अतीत अग्रवाल जी से संपर्क करने की एक बार फिर कोशिश करेंगे। जनता कनेक्ट नहीं हो पा रही है अभी। हाँ, वो आप तो प्रसन्न हो गए, ठीक है। चलिए तो विधायक जी के कामों पर चर्चा करें, इसलिए एक और चीज जानना चाहेंगे कि इस बार कांग्रेस जो है जी, उसकी भूमिका आप कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस अलीगढ़ में क्या भूमिका में, किस भूमिका में है? और बीएसपी की भी बात, कांग्रेस तो अपनी, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस और बीएसपी दो पार्टी ऐसी है जो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय पार्टी की उनकी मान्यता बची रहे, उनकी क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता बची रहे, इसके अलावा कुछ सीटें लाकर वो सौदेबाजी कर सके, कुछ सीटें लाकर सरकार में हिस्सेदारी मांग सके, कुछ सीटें लाकर वो अपनी उपस्थिति को जनता के बीच बनाए रखे, केवल इसके लिए प्रयास कर रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी आप भी देख रहे हैं ना, कांग्रेस का कुछ है? मैंने कहा ना, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी और लोकदल, ये तीन पार्टियां ऐसी हैं जो सरकार बनाने के लिए काम ही नहीं करती, जिनकी सोच सरकार बनाने के लिए होती नहीं है। ये तो केवल और केवल सरकार में शामिल रहने के विषय में सोचती हैं, ठीक है, अगर इसी दिशा में काम करती हैं। ठीक है, अगर पिछले दो दशक की बात करूं तो ज्यादातर जो मुकाबला रहा है वो आपके और सपा के बीच ही रहा। हाँ, एक्चुअली वो भी देखिए, मुकाबला था इसलिए था कि हिंदू मुस्लिम राजनीति होती थी, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम राजनीति को अलीगढ़ ने टाटा बायबाय कर दिया है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम राजनीति ने अलीगढ़ का बहुत नुकसान किया है। इस अलीगढ़ को पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण हिंदू मुस्लिम राजनीति है। यहाँ लोग इसके नाम पर रोटियां सेकते थे, राजनीति करते थे, लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से विकास के रास्ते पर लोग चलना चाहते हैं। और लोगों ने आम दर्शकों के लिए भी, मैं कहूंगा कि आम दर्शकों के लिए भी फोन लाइंस जो हैं उनको खोल दिया जाए, आम दर्शकों के लिए भी, ठीक है, रखिए बात। तो इस राजनीति को लोगों ने पीछे छोड़ दिया है और वही इस समय आपको दिखाई देगा। अभी हमारी जन विश्वास यात्रा आई थी, मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोगों ने दिल हृदय खोलकर स्वागत किया। और इससे बड़ी बात, अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचरण होता है दशहरा वाले दिन। आप सोचिए, ऊपरकोट जैसे क्षेत्र में मुस्लिम हमारे भाइयों ने पुष्प बरसाकर उसका स्वागत किया। ये एक नए अलीगढ़ की शुरुआत है, ये एक नए योगी की शुरुआत है। और देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब 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 ये तो राम मंदिर तो बहुत बड़ी चीज है, छोटे छोटे मंदिरों पर भी विवाद होता था तो कहीं ना कहीं चिंगारी उठती थी। आप देखिए, अयोध्या में इतना भव्य मंदिर बन रहा है, कहीं कोई चिंगारी उठी? चलिए, क्योंकि हम तो अतिक्रमण नहीं कर रहे, हम किसी पर कब्जा नहीं कर रहे, हमारी जो अपनी विरासत है। चलिए, जिसको मानिए, यही सवाल जो आपने अभी तक दागे हैं, समाजवादी पार्टी को आपने जिस तरीके से घेरा है, वो सवाल के जवाब है। मैं अतीत अग्रवाल जी से भी ले लेता हूं, क्योंकि फाइट आपके और इनके बीच ही रहती है ज्यादातर। अतीत अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतीत अग्रवाल जी, आपका स्वागत। हमारी फाइट नहीं है इनसे। चलिए ठीक है, विजुअल्स चलाएंगे जरा। अतीत अग्रवाल जी से एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अगर अतीत अग्रवाल नहीं है तो सपा का पक्ष रखने के लिए किसी और को भी हम ले सकते हैं। चलिए, ले लीजिए तो, किसी को भी, लेकिन जनता तो कनेक्ट होना चाहती नहीं है इनसे। चलिए ठीक है, बाकी एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, कि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई भी मामला हो, एक जिन्ना की तस्वीर का मसला उठा था, कोई भी मसले होते हैं वहां पर, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बीजेपी की जो टुकड़ियां हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि माहौल जो है यहां पर दो धुरी में बट जाता है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्या होता था वो सब जानते हैं, राष्ट्र विरोधी सोच कैसे पनपती थी, सिमी का जन्म अलीगढ़ से हुआ,
पाकिस्तान के विभाजन का कारण अलीगढ़ रहा है। तो मतलब 5 सालों में आपने थोड़ा सा दुरुस्त किया है, थोड़ा सा तबीयत में सुधार किया है। बिल्कुल, आप देखिए आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप 5 साल का इतिहास देख लीजिए, यहाँ पर डिबेट होती थी, यहाँ पर सेमिनार होती थी, सेमिनार में राजविरोधी तत्वों की लड़ाई होती थी, लेकिन अब उन संख्या में बहुत कमी आई है, नगण्य रह गया है नगण्य। क्योंकि ये धरती मानी जाती थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, ये राजनीति की धरती मानी जाती थी। लेकिन मैंने कहा ना, अब कुछ खुरापातियों को छोड़ दें अगर, तो बाकी के स्टूडेंट के ये जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए है, ना कि लड़ने के लिए। कि जिसको लड़ना है अपने क्षेत्र संभालिए, लेकिन अब जो है इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार की राजनीति के लिए वहां के विद्यार्थी खुद नहीं होने देंगे। ठीक है, एक तो एक सवाल है मेरा, ठीक है, बेरोजगारी बड़ी समस्या है अलीगढ़ में, इसके साथ ही साथ रोजगार की अगर बात भी करें तो अलीगढ़ के युवाओं को आज भी दिल्ली की ओर जाना पड़ता है, मतलब पलायन करना पड़ता है। मतलब अलीगढ़ में कोई बड़ी इंडस्ट्री या कोई बड़ा एक मैकेनिज्म सेट नहीं कर पाया, एक सिस्टम नहीं है कि युवाओं को वहीं होल्ड किया जा सके। आज भी अलीगढ़ के युवा दिल्ली पलायन करने पर मजबूर है। मेरे आपके सवाल का जवाब मैं पूर्व में दिया था, मैं उसको और ब्रीफ कर देता हूँ। मैंने बताया था कि जब से सांप्रदायिक वातावरण अलीगढ़ का सुधरा है, यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, यहाँ पर सुन लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर बन रहा है, यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बन रही है, यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो क्या सोचते हो इनमें कंप्यूटर थोड़ी काम करेंगे, इनमें तो लोग काम करेंगे ना। ये जहाँ पर रमाडा होटल जैसे, यहाँ पर लेमन ट्री होटल जैसे, यहाँ पर बड़े बड़े मल्टी ब्रांड्स आ रहे हैं, तो कौन काम करेगा? जेवर एयरपोर्ट को कौन कौन रखेगा? अभी गौतम बुद्ध नगर वाले भी रखेंगे, अलीगढ़ वाले भी रखेंगे, तो फिर आगरा वाले भी। आपको एक चीज पता है, मथुरा वाले भी रखेंगे। डिफेंस कॉरिडोर से अलीगढ़ के नजदीक होने का अलीगढ़ को एक लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो एक बार फिर अतीत अग्रवाल साहब और जुड़ गए, एक आखिरी मुमकिन कोशिश कर लेते हैं अतीत अग्रवाल साहब से जानने की। अतीत अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतीत अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी आवाज आ रही है, धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल आवाज आ गई। चलिए अतीत अग्रवाल साहब, चर्चा कर रहे थे कि अलीगढ़ सदर सीट पर क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ नहीं हुआ है, तो दो शब्दों में अगर कंप्लीट करूं तो मानव जी बता रहे हैं कि 2017 से पहले यहां पर सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति होती थी और वो समाजवादी पार्टी करती थी। हम आए, हमने विकास किया, हमने कॉरिडोर स्मार्ट सिटी देने का काम किया, हमने एक बड़ी यूनिवर्सिटी देने का काम किया, और पास में जो हमारा जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उससे आर्थिक विकास, आर्थिक लाभ भी यहाँ के लोगों को होगा, और आप पर आरोप है कि आप सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति के जरिए दो नए इंडस्ट्री एरिया बने हैं। ठीक है, यहाँ पर दो नए इंडस्ट्री एरिया बने हैं अलीगढ़ में, और इनका कहना है कि अगर एक बार फिर अगर सपा आ भी जाती है तो आप फिर एक बार हिंदू मुस्लिम करेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलीगढ़ नहीं करने देगा। आवाज थोड़ा सा इनका बढ़ाइएगा। हेलो जी, जा रही है, दो नए इंडस्ट्री एरिया बने, हेलो छेरत बना है और एक अंडला में नया। हाँ जी, ठीक है, अपनी बात देखिए। हेलो, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, साफ सुंदर स्वच्छ आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, बात देखिए सर, ये तो आप जानते ही हैं कि जैसे मानव जी कह रहे हैं कि जातिवाद की राजनीति कौन फैलाता है, ये तो दुनिया जानती है। एक बार विकास के नाम पर, राम के नाम पर, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, क्या उन्होंने शहर में विकास का कोई माध्यम बनाया? आज सड़कों पर इतने गड्ढे हैं कि लोगों को कमरे बनाने की जरूरत नहीं है, और जो मायावती ने गेट बनवाए थी, गेट हमारे नगर विधायक माननीय संजीव राय जी ने बनवा दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जितने रुपए में गेट बने, क्या शहर का विकास नहीं? ठीक है, देखिए, विकास का पैमाना हर जगह ठीक है, लेकिन अलीगढ़ सीट की जब बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम राजनीति की भी बात हो जाती है। तो ऐसे में मानव जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति दरअसल आप करते थे, और अगर आप सपा आ भी गए तो आप एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे। देखिए, ये तो आप जानते हैं, इस समय हिंदू मुस्लिम की राजनीति में कौन जेल में बंद है? ये भाजपा के लोग हैं जो जेल में बंद है, जिन्होंने ऊपर कोर्ट से गोली चलाई, उसमें मुसलमान बंद नहीं है। केवल मरा तो मुसलमान मरा, और बंद है तो हिंदू बंद है। अब ये बताएगा कौन समय कि कौन हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है? आपको जानकारी है ऊपर कोर्ट दबाव में कौन? ठीक है ठीक है, एक सवाल और था मेरा अतीत जी, पिछले तीन चुनाव जिसमें अतीत जी आप जीते, उसमें आपके जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, जफर आलम, उससे पहले जमीर उल्लाह साहब, 1996 में जब आप जीते थे तो अब्दुल खालिक,
तो आप तीन टर्म्स जो जीते हैं, जो आपके लगातार कैंडिडेट्स हो रहे हैं, ये मुस्लिम कैंडिडेट्स ही क्यों हो रहे हैं? देखिए, एक लोकतंत्र का आधार होता है और एक नहीं, ठीक है, एक आध बार आप चेंज भी कर सकते हैं ना कैंडिडेट, मतलब आपको हमेशा कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट ही वहां क्यों मिल रहा है, ये मैं पूछ रहा हूं। नहीं, आपको अभी देखना चाहता हूँ, दरअसल हिंदू कैंडिडेट जितने भी वो पार्टी में आए लेकिन पार्टी के लेवल पर खड़े नहीं उतरे, इसलिए मजबूरन अब तक जो टिकट दी गई वो मुस्लिम कैंडिडेटों को दी गई, क्योंकि वो लड़ने में अतीत अग्रवाल साहब, आपका नाम भी अतीत अग्रवाल है, आप भी हिंदू हैं, आप खड़े उतर रहे हैं पार्टी में? देखिए, पार्टी केवल मेहनत के दम पर देती है, और अगर मैं मेहनत में सफल हूँ, अपनी मेहनत और लगन से काम करूंगा, तो पार्टी मुझे। आपका कहना है कि अलीगढ़ सदर में जो भी समाजवादी पार्टी के कैडर में हिंदू लोग आए वो सब ठीक नहीं थे, पैमानों पर ठीक नहीं उतरे, मुसलमान पैमानों पर ठीक उतरे, इसलिए उनको कैंडिडेट बनाया गया जी। चलिए ठीक है, ये पता नहीं कौन सा पैमाना है, पता नहीं कौन सा पैमाना है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, दर्शक जुड़ गए हैं, इनको जरा लीजिएगा फोन पे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइएगा पहले अपना। हेलो, कृष्ण कुमार। ठीक है, नाम बताइएगा अपना। कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, ठीक है, कृष्ण कुमार जी, आपका सवाल किससे है, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो, हाँ हाँ जी, अपनी बात रखिए, नाम आपने बता दिया, कृष्ण जी अपनी बात रखिए। ये जी, अलीगढ़ में कुछ हो ही नहीं रहा है। अलीगढ़ में कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या होना चाहिए था जो नहीं हो रहा है? नहीं, हमारे इलाकों की ना सड़कें बन रही, ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो मानव जी कुछ नहीं हो रहा है ना, ये रैंडम दर्शक है, रैंडम दर्शक है, बता रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए, जनता बता रही है, ये इनको आने वाले समय में इनसे कहिए, इनसे कहिए आपको साथ लेकर घूमे, हम दिखाएंगे क्या हो रहा है। एक एक गली सीमेंटेड है, एक एक गली पक्की है। ठीक है, एक काम करिए आप, कृष्ण जी आप एक काम करिए, मानव जी कह रहे हैं कि मेरे साथ घूमिए, तो मानव जी की गाड़ी में बैठकर आप घूमिएगा, आपको ये विकास दिखाएंगे कहाँ कहाँ हुआ है, ऐसा इनका दिखा। अरे आप दर्शक बात कर रहे हैं, आप समाजवादी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में अतीत अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मानव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम समय की पाबंदियों में बंधा हुआ एक शो है, ऐसे में हमको यहीं पर रुकना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज हम अलीगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर संजीव राजा साहब का जो यहाँ पर वोटर है, जिसने पिछली दफा उनको जितवाया है, क्या वो अभी तक होल्ड में है, क्या अभी तक वो कंटेंड है, या फिर कहीं वो नाराज तो नहीं हो गया, क्योंकि किसान आंदोलन की जो हवा है वो कहीं ना कहीं ग्लास से होते हुए अलीगढ़ सदर को भी प्रभावित कर सकती है। तो इसी बात पर आज हमने अलीगढ़ सदर विधानसभा के मामलों में चर्चा की। आपने कार्यक्रम जरूर देखा होगा, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।